हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं हूं आपका अपना आशीष राणा, और मैं आप सभी का करता हूं एक अपने न्यू ब्लॉग में स्वागत। तो आज हम जाने वाले हैं रामगंगा बांध पर, और आप सभी लोग सोचते होंगे कि हर टाइम बस रामगंगा बांध या कोई सही बांध, पीली बांध, इन्हीं बांध पर जाता है। तो मेरा मोटिव यह है कि पहले मैं अभी मतलब छोटा यूज़र हूँ, एक यूट्यूबर हूँ, छोटा यूट्यूबर हूँ। तो मेरा मकसद ये है कि पहले मैं अपनी जो पास की एरिया के जो घूमने लायक जगह हैं, सबसे पहले मैं वहाँ पर जाकर आप सबको व्यू वगैरह या मतलब जिससे मुझे एक्सपीरियंस मिले वो चीज़ दिखाना चाहता हूँ। तो आज हम जाने वाले हैं रामगंगा बांध पर, और मैं आ गया हूँ गांव से बाहर, और मेरी राजकुमारी भी यहीं पर खड़ी है, और मैंने और लड़कों को और जावेद भाई को कर दिया है फ़ोन, तो वो आने वाले हैं, और उसके बाद सीधा निकलते हैं ब्लॉग लोकेशन पर। तो चलिए चलते हैं। हम निकल चुके हैं और चल रहे हैं रास्ते में फिलहाल अभी, और साथ में जावेद भाई है, और लक्ष है अपना नितिन है, और टेम्पो भी है। तो जावेद भाई और मैं एक साथ हैं, और वे तीनों एक साथ हैं। तो फिलहाल हम चलते हैं सीधा ब्लॉक लोकेशन पर। फाइनली गाइस, हम पहुंच चुके हैं रामगंगा बैराज पर, जो हमारी ब्लॉक लोकेशन थी, और हमारे सभी भाई लोग इधर ये पीछे खड़े हुए हैं। और आपको मैं जगह दिखाता हूँ, पीछे का व्यू दिखाता हूँ, कैसा व्यू है यहाँ पे, क्या है, और सभी चीज़ दिखाता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो, ये बना है ऑफिस टाइप रामगंगा बैराज के अधिकारियों के लिए, और सौर ऊर्जा वगैरह लगी हुई है, और रामगंगा बैराज लिखा हुआ है यहाँ पर। तो वैसे तो वीडियो बनाना मना है, लेकिन बना रहा हूँ। अब दिखाता हूँ पीछे का व्यू। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं ब्रिज के ऊपर, और सभी दोस्त अपने यहीं पे हैं। ये जाट तो उधर पहुंच गया, और इधर ये लक्ष्य है। अब मैं ब्रिज के ऊपर से आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ। इधर ये जावेद भाई खड़े हैं, और इधर लक्ष्य बैठा है, उधर वो चौधरी ऊपर है, और ये देख सकते हो आप बाहर का व्यू कितना ओसम है। ये काफ़ी लंबा ब्रिज है, जहाँ तक देख सकते हो बहुत लंबा ब्रिज है। और इधर ये पानी तो नहीं आ रहा, पानी की वजह से आ रहा, थोड़ा दिल उदास है, पानी होता तो और मज़ा आता। और इधर से ये फिर कालागढ़ डैम के पहाड़ शुरू हो जाते हैं। तो गाइस, जगह तो अच्छी है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे कुछ कमी चल रही है, तो इसी वजह से काफ़ी मज़ा नहीं आ पा रहा। तो बाकी जगह तो काफ़ी अच्छी है, तो देख सकते हो भाई लोग इनका कैसा उधम डाल रहे हैं। अगर गिर गए तो भाई साहब हड्डी मिलेगी नहीं यहाँ पे। तो गाइस, ब्रिज से आने के बाद हम आ गए हैं यहाँ पे पार्क में। ये एक पार्क टाइप बना रखा है बैठने के लिए। तो अपने तीन दोस्त उधर भी फ़ोटो शूट कर रहे हैं, और जावेद भाई इधर ही अकेले बैठे हुए हैं, देख सकते हो। तो गाइज, हम हैं रामगंगा बैराज पर और आ गए हैं यहाँ पे, लेकिन जिस उम्मीद से आए थे वो उम्मीद यहाँ पे मतलब कुछ खास नहीं रहा। यहाँ पे मतलब जगह तो अच्छी है, लेकिन यहाँ पे ना तो पानी आ रहा है इस टाइम, ना यहाँ पे गेट खुले हुए हैं फ़ोटो शूट करने वगैरह के लिए। कुछ शायद काम चल रहा है ऊपर, काम कर रहे हैं मैकेनिक वगैरह, तो शायद उस वजह से कुछ प्रॉब्लम हो। तो आज हमारे साथ है इधर टेम्पो भाई हैं, इनकी कितनी भी खिंचाई कर लो भाई बुरा नहीं मानता, एक नंबर बंदा है ये, सबसे ग्रुप में सबसे बढ़िया लड़का यही है हमारा, कितनी भी खिंचाई कर दो टेम्पो की बुरा नहीं मानता। हंसा मसाले झूठ बोल लिया हमें। ये जावेद भाई अपने, उधर नितिन खड़ा है, और आज हमारे साथ नया मेम्बर भी हमारा लक्ष चौहान है, मित्री है हमारे, ये भी हमारे साथी हैं आज। तो यहाँ पे फोटो शूट वगैरह कर रहे थे,
और काफ़ी मतलब इतना कुछ खास इंजॉय भी नहीं हुआ, लेकिन जो भी था वो सब ठीक ही है। शायद कुछ तकनीकी प्रॉब्लम है जो भी है, तो उस वजह से आज यहाँ पर घूमना फिरना बंद ही चल रहा है। तो आपको मैं और अभी थोड़ा बहुत व्यू वगैरह दिखाता हूँ। दोस्तों काफ़ी देर एंजॉय करने के बाद यहाँ पे अब हम चलने वाले हैं घर की तरफ। तो अब हम जा रहे हैं अपनी बाइकों के पास, सभी बंदे अपने तैयार हैं घर चलने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू।